आज कैथल के जाट कॉलेज में पटवारियों, कानूनगो व तहसीलदारों को जमीन की निशानदेही की बारीकी से जानकारी दी गई, जिसमें तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढान ने खुद पटवारियों को बारीकी से समझाया तथा उनके डाउट क्लियर किए। दो दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आइए सुनाते हैं तहसीलदार डॉक्टर अनिल बिढान ने क्या जानकारी दी है। ये एक्चुअली जो डिमार्केशन है तो उसके बारे में संदर्भ में मीटिंग है, जो कि हर जो डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम है हरियाणा सरकार का, DLR डिपार्टमेंट का। तो उसमें क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेंड किया जा रहा है पटवारीज को, कानगो को और तहसीलदार्स को। तो ये है कि भी मीटिंग में इन्वॉल्व हैं ताकि वो जो बारीकियां हैं डिमार्केशन की, जो DGPS मशीन जैसे बोलते हैं, तो उसके बारे में जो है DLR ऑफिस से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ ट्रेनिंग के लिए जाट संस्थाओं में यहाँ है तो आए हुए हैं। तो ये मीटिंग का दो दिन का इनका शेड्यूल है, 9 और 10 तारीख यानी आज और कल का है। तो जिसमें कि प्रतिभागी यानी जितने भी पटवारी हैं, चाहे वो कैथल तहसील को हो, गोला के हो, कुंट्री के हो, ढांड के हो, कलायत के हो, तो सभी जो पटवारीगण हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कानगो के साथ और तहसीलदार के साथ। तो मेन फोकस किस चीज़ पर रखा जाए, किस चीज़ की मेन ट्रेनिंग दी जा रही है? मेन ट्रेनिंग जैसे कि मैंने बताया कि डिमार्केशन, जो सीमांकन का जो कार्य होता है, निशानदेही जिसको बोलते हैं, तो उसी में उसी के एव्ज में जो मशीन के द्वारा जो रोवर ट्रेनिंग है, ये कि रोवर से कैसे की डिमार्केशन करनी है, तो उसी के बारे में बारीकियां से समझाया जा रहा है। जी, तो पहले जो निशानदेही है जो मशीनों से की जाती थी वो मतलब प्राइवेट लोग कर देते, तो अब क्या सरकार की स्कीम है कि ये पटवारी या? हाँ, इसी दिशा में, इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग का पार्ट है, जो कि हरियाणा सरकार है इस विषय में गंभीर है कि भी हम क्यों ना इसको एक गवर्नमेंट की तरफ से ही वो करवाएं अपने जो एम्प्लॉई हैं, तो उस तरह से तो इसी दिशा में है। बाकी का जैसे कार्य जो है डिपार्टमेंट का है वो इस दिशा में देखेंगे। मशीनें हैं जी, कुछ आ गई हैं, कुछ निशानदेही वाली? नहीं, अभी एज हमें प्राप्त नहीं हुई है अभी जी। लेकिन जैसे कि है कि प्रोसीजर है, ट्रेनिंग देना सबसे पहले उचित रहता है हर चीज़ के लिए, तो देखते हैं बाकी जी। तो डिस्ट्रिक्ट के सभी पटवारी, कानून वो सभी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट के सभी पटवारी भी, कानून को भी और तहसीलदार भी। तो मेन क्या कुछ निकल गया है, कुछ पटवारी ने पूछा? हाँ, जितने भी मान लिया जो यहाँ ट्रेनर थे उन्होंने बताया पहले विस्तार पूर्वक, और अभी जैसे उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो भी चला, उन्होंने अपने जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए कि भी किस तरह की, लेकिन और भी कुछ डाउट्स हैं कि भी क्या दो दिन सफिशियंट है, इस तरह के भी मान लिया क्वेश्चन जो है हमारे पटवारियों ने उठाए हैं कि भी हम बाकी देखते हैं जैसा भी होगा, जितना भी सीख सकेंगे वही उम्मीद है। तो मतलब कल का क्या शेड्यूल रहेगा? कल का भी यही है कि फील्ड का शेड्यूल है कि भी DGPS जो मशीन है, जो रोवर है, कि भी उनको धरातल पर उतार कर कि भी कैसे वो काम करती हैं। अभी जैसे क्लासरूम में था कि भी पहले फिजिकली उनको कंपोनेंट्स को बताना कि भी कौन कौन से कंपोनेंट्स है और क्या किस कंपोनेंट का कैसे असेंबल करना है, क्या उसका फंक्शन है, तो उसके बारे में बताया गया विस्तार से। मतलब आज बताया, कल उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया? हाँ, प्रैक्टिकली जैसे कल का शेड्यूल है उनका, और आज भी दोपहर बाद की जैसे जो है कुछ चीज़ें वहाँ भी क्लियर की जा सकती है।